क्या भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के दिन अब पूरे हो गए हैं? क्या पाकिस्तान अब हाफिज सईद या अन्य आतंकियों के लिए अब महफूज जन्नत नहीं रह गया? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैमर फारूक की कराची में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे पहले 26 सितंबर को हाफिज सईद के बेटे इब्राहिम कमालुद्दीन सईद के लापता होने की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे कार में आए कुछ अज्ञात लोगों ने पेशावर से किडनैप कर लिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सच में कमालुद्दीन सईद मारा गया है। कमालुद्दीन सईद ISI समर्थित आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यह पता नहीं लगा पाई है कि कमालुद्दीन मारा गया है या जिंदा है। पाकिस्तानी मीडिया में यह अफवाह खूब उड़ रही है कि कमालुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि बेटे की मौत की खबर सुनकर हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला आतंकी हाफिज सईद तभी से आंसू बहा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कमालुद्दीन सईद के लापता होने की जानकारी मिलते ही ISI में हड़कंप मच गया था और हाफिज सईद के बेटे को ढूंढने के लिए ISI ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। कमालुद्दीन सईद के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई विदेशी ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया है कि अज्ञात लोग कमालुद्दीन को लेकर गए हैं, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं है। वहीं कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के जब्बा घाटी में कमालुद्दीन सईद की डेड बॉडी मिली है, लेकिन उसकी मौत की खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स का दावा यह है कि कमालुद्दीन सईद की हत्या कर दी गई है और सेना ने गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक एंटी इंडिया तत्वों का सफाया किया गया है, उससे वहां के आतंकी घबराए हुए हैं और ISI उन्हें सुरक्षित ठिकाने मुहैया करवा रहा है। कुछ दिनों पहले कराची में लश्कर के एक बड़े आतंकी गौहर रजा की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से ISI में खलबली मची हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में एक दर्जन से ज्यादा आतंकियों और उसके समर्थकों को ISI सेफ हाउस में रख रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर के आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के बेटे की हत्या नहीं हुई है, बल्कि ISI ने कमालुद्दीन को हाफिज सईद की तरह सेफ हाउस में रखा है। वहीं कमालुद्दीन के लापता होने के बाद उसके भाई तलहा की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2019 में तलहा पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पाक एजेंसियों को दरअसल इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाफिज सईद के बेटे को भी किसी साजिश का शिकार बनाया गया हो। इसलिए दहशतगर हाफिज सईद के परिवार में उसके लिए सलामती की दुआएं की जा रही हैं। हाफिज सईद के जेल जाने के बाद कमालुद्दीन सईद पिता की वजह से ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था और लश्कर-ए-तैयबा के खजाने का भी वह प्रमुख बना हुआ था। इससे लश्कर के कुछ पुराने लोगों में कमालुद्दीन को लेकर भारी नाराजगी थी और इससे संगठन में गुटबाजी भी बढ़ गई थी। इसलिए ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कमालुद्दीन किसी गुटबाजी का भी शिकार हो गया हो। ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद को उसके कर्मों का फल अब धीरे धीरे मिलने लगा है। हाफिज सईद प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, भारत, रूस, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की ओर से बैन किया जा चुका है। फिलहाल आतंकी संगठन जमात उल दावा का मुखिया बना हुआ है। हाफिज सईद ने पाकिस्तान को अपना महफूज ठिकाना बना रखा है और वहां से बैठकर वह भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। 2000 में लाल किले पर हमला और संसद पर दिसंबर 2001 में हुए हमले का मास्टरमाइंड भी वही है। 5 अगस्त 2015 को जम्मू कश्मीर में BSF के काफिले पर हमला भी उसने ही करवाया था। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में भी हाफिज सईद का हाथ रहा। सईद भारत के अलावा अमेरिका का भी वांटेड है। अब बेटे की किडनैपिंग और उसकी मौत की खबर सुनकर उसका कलेजा फट रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि उसने कितनी माओं की गोदें सुनी की हैं
और न जाने कितने सुहाग उजारे हैं। बहरहाल अभी ये तय नहीं कि अगर कमालुद्दीन का अपहरण किया गया है या यदि उसका मर्डर हुआ है तो इस काम को किसने अंजाम दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि इस खबर ने हाफिज सईद की काली दुनिया के साम्राज्य को पूरी तरह हिला कर रख दिया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए अब बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।